और YouTube चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब, मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर गुजरात स्टाफ नर्स का पेपर है जो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 17 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उनके पास तो ऑफिशियल पेपर होगा ही, बट जिन भी लोगों ने पेपर नहीं दिया है एंड देन आप पेपर दे के आएँ तो आप लोग यहाँ पर अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कि आपको पेपर किस टाइप का आया था। तो DMER का पेपर हुआ था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने चैनल पर, तो आप लोग उसको देख लीजिए। ये यहाँ पर आपका पेपर हुआ था 17 अप्रैल को ही, तो यहाँ पर उसका ये पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चार सेट में पेपर आया था बट जो क्वेश्चन थे वो सेम थे चारों सेट में, ABCD। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था, सिटीजन चार्टर प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन द ईयर इन ऑर्डर टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म मोर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर पहले आप पढ़िए प्रोग्राम का नाम क्या है। सिटीजन चार्टर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कब लॉन्च किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, 1998 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2011 में। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया था 1998 में, कब? 1998 में। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इन केस ऑफ एब्सकॉन्डिंग पेशेंट इन नाइट ड्यूटी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इज टू इन्फॉर्म द मैटर इमीडिएटली टू। एब्सकॉन्डिंग का मतलब है कि पेशेंट यदि नाइट ड्यूटी चल रही है किसी भी नर्स की उस टाइम पर भाग जाता है, लामा का मतलब होगा कि वो बता के बैठे यहाँ पर या सीधा भाग जाता है, तो एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इन्फॉर्म करने की होगी, सिक्योरिटी ऑफिस को, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, नर्सिंग शिफ्ट सुपरवाइजर को या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। तो एब्सकॉन्ड का मतलब है पेशेंट भाग गया है तो नाइट ड्यूटी के टाइम पर, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो नर्सिंग शिफ्ट सुपरवाइजर है आप उसको तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत लाइज विद। तो यहाँ पर जो पंचायत में होने वाले इलेक्शन हैं तो उनमें सभी चीज़ें लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडेड हैं, वो कौन सी हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर द पावर टू लेजिस्लेट, तो ये पावर किसके पास होगी, पंचायत के चुनाव वगैरह को लेके, तो ये होगी स्टेट की गवर्नमेंट के पास ही। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्स पेशेंट रेशियो इन द इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी मेंटेनड। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग जो ICU और पेशेंट का रेशियो है वो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर ICU और पेशेंट का रेशियो हर एक एग्जाम में आता है, तो यदि ICU में कितनी नर्स और कितने पेशेंट होना चाहिए, तो एक नर्स और एक पेशेंट है जो होना चाहिए, 1/1। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। मैंने ये चीज़ें आपको एक जो सेपरेट क्लास ली थी उसमें पूरी चीज़ें पढ़ाई थी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, फ्रेसेस, गेस्चर्स, इंफॉर्मेशन या फिर वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से जो चीज़ें बताएंगे बिना बोले वो क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, गेस्चर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, ERP मींस, ऑप्शन में था इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्रामिंग, इंटरप्राइज रिक्रूटमेंट प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर इंटरप्राइज रिवेन्यू प्लानिंग। तो यहाँ पर ERP का मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड सेंटेंस लेटर इनटू कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड। तो ये चीज़ आप अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में यूज़ करते हैं कि आपने यदि कोई सेंटेंस है जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं, कैपिटल्स और स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या चेंज करेंगे, चेंज द वर्ड, चेंज द लेटर्स, चेंज द सेंटेंस या फिर चेंज द केस। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जब आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप क्या चेंज करते हैं, चेंज द केस। नेक्स्ट वन इज, गूगल ड्राइव गिव्स द फैसिलिटी ऑफ क्लाउड स्टोरेज मैक्सिमम अप टू हाउ मेनी GB फॉर फ्री। तो गूगल ड्राइव क्या करता है, क्लाउड स्टोरेज है जो कुछ एक हद तक लिमिटेड में मैक्सिमम स्टोरेज है जो क्लाउड स्टोरेज फ्री देता है, तो कितने GB फ्री देता है गूगल ड्राइव पर, 10 GB, 15 GB, 20 GB या फिर 15 GB।
तो यहाँ पर ये देखिए दो ऑप्शन सेम टाइम रिपीट किए हैं, 15 GB और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, दोनों में सेम रखा है। तो यहाँ पर आपके आठवें का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में बताया है कि कितना होगा, 15 GB। अब जो लोग दोनों आंसर को मार्क करके आएंगे तो आप यहाँ पर एक बार वेबसाइट पर चेक करना है, यदि ऑब्जेक्शन के लिए कोई ऑप्शन दिया हो। क्लाउड स्टोरेज में कितना है जो मैक्सिमम स्टोर कर फ्री दिया जाता है, वो दिया जाता है कितना, 15 GB। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32, 28, 22 या फिर 12। तो टोटल बिट्स की बात हो रही है तो कितने होते हैं, 32 बिट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉट एनेबल्स डिवाइस टू कम्युनिकेट विदाउट द यूज़ ऑफ फिजिकल केबल। तो बिना फिजिकल केबल के आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से, HTML से, HTTP से, वाईफाई से या फिर GRPS से। तो ये तो सबको पता होगा फिजिकल केबल बिना टच किए क्या है जो पॉसिबल कर सकता है, तो है वाईफाई। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नर्सिंग के आपके अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल है। बैरल चेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। तो ये बैरल चेस्ट है DMER के एग्जाम में आया है, रिसेंट में जो MP में भी पेपर हुआ उसमें भी आया, ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम आपको ज़्यादा प्रॉपर बता पाएंगे। तो ये बैरल चेस्ट का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है रिसेंट में। जो लोग अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपने दिमाग में सेट करके रखें कि है क्या ऑप्शन में, न्यूमोथोरेक्स, ब्रोंकियोटेसिस, एम्फाइमा या फिर एम्फाइसीमा। तो बैरल चेस्ट किसमें देखने को मिलेगा, तो बैरल चेस्ट देखने को मिलता है किसमें, एम्फाइसीमा में। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज। तो इंस्पायर्ड एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 21, 16, 52 या फिर 78। तो 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होती है, इंस्पायर्ड एयर। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन द थर्स्ट सेंटर इज लोकेटेड इन द। तो थर्स्ट सेंटर प्यास के लिए हमें जब पता चलता है माइंड में, तो थर्स्ट सेंटर कहाँ पर होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पॉन्स, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में। तो थर्स्ट सेंटर कहाँ पर होता है, थर्स्ट सेंटर होता है कहाँ, हाइपोथैलेमस में, जो कि बॉडी में और क्या चीज़ रेगुलेट करता है, बॉडी में यही जो हाइपोथैलेमस है बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। तो यहाँ पर थर्स्ट सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स टू। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे काम करते हैं, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन गट, डिक्रीज कैल्शियम रीऑब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल या फिर इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इनका मेन काम क्या होता है, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, क्या है, इंक्रीज द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट वन इज एंजाइम हेपेरिन एंड हिस्टामिन आर सीक्रेटेड बाय। तो मैंने आपको 3 डेज पहले ही पढ़ाया था। तो एंजाइम हेपेरिन और हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता है, ल्यूकोसाइट, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स या फिर RBC। तो यहाँ पर जो हेपेरिन है और हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता है, मास्ट सेल्स। नेक्स्ट वन इज द इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम नोन एज। तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर होने के बाद जो फर्स्ट साइन सिम्टम शो होंगे वो क्या कहलाएगा, लेटेंट पीरियड, सेंसिटिविटी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लाया गया था, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया गया था 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट इज कॉपलिक स्पॉट्स आर सीन इन। तो सबको पता है कॉपलिक स्पॉट्स किसमें देखने को मिलते हैं, रूबियोला में, इसमें रूबियोला और मीजल्स में, मीजल्स का ही दूसरा नाम क्या है, रूबियोला। नेक्स्ट है यहाँ पर बक्स एक्सटेंशन बिलोंग्स टू अ मेथड ऑफ ट्रैक्शन। तो बक्स एक्सटेंशन है किसको है जो एज अ ट्रैक्शन के तौर पर यूज़ किए जाएंगे, रसेल, मसल्स, स्केलेटल या फिर स्किन। तो बक्स एक्सटेंशन किसके लिए, किस टाइप के है जो यहाँ पर ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो क्या है, डी, स्किन के लिए। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है अंधे होने का, तो वो कैटरेक्ट, क्या है, कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज मेनोपॉजल वुमेन आर एट रिस्क ऑफ। जो मेनोपॉज जिन वुमेन का परमानेंट सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है तो क्या है जो होने के चांसेस रहेंगे, हाई HDL, प्रेगनेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हाइपोटेंशन।
तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन रिस्क होता है मेनोपॉजल वुमेन को वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज सेंटिनल सर्वेलेंस इज डन टू। तो सेंटिनल सर्वेलेंस है किसके लिए किया जाता है? नॉन टू द टोटल नंबर ऑफ केस, नॉन टू द हिडन केस, नॉन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज या फिर प्लान इंटरवेंशन। तो सेंटिनल सर्वेलेंस किया जाता है हिडन केस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वाटर के टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बॉयलिंग से, फिल्ट्रेशन से, क्लोरीनेशन से या फिर ऑल ऑफ दिस से। तो वाटर की हार्डनेस है जो ट्रीट की जा सकती है टेम्पररी, किससे? बॉयलिंग से। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है? ऑप्शन में है मुदलियार, श्रीवास्तव, मुखर्जी या फिर भोर। तो यहाँ पर जो कमेटी है वो कौन सी है? वो है भोर कमेटी। भोर कमेटी को क्या कहा जाता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, एन आंगनवाड़ी वर्कर इज ट्रेंड फॉर। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं उनको कितने महीने के लिए है जो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो प्रॉपर काम कर सकें? तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है कैसे, कितनी दी जाती है? 4 महीने की, 4 मंथ्स तक की। नेक्स्ट इज कैटाप्लेक्सी इज अ सिम्टम ऑफ। तो कैटाप्लेक्सी किसका सिम्टम है? नार्कोलेप्सी का, REM स्लीप, OSAS या फिर प्राइमरी हाइपरसोम्निया। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो क्या है? नार्कोलेप्सी। कैटाप्लेक्सी किसका सिम्टम है? नार्कोलेप्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो HIV ट्रांसमिशन हमें वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हम कहेंगे मदर से बच्चे में होता है, तो हम किस मेडिसिन से रोक सकते हैं? नेबिरापाइन से। किससे रोक सकते हैं? नेबिरापाइन से। नेक्स्ट है यहाँ पर मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। तो आप मीनिंगलेस वर्ड बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं, तो ये क्या है? इकोप्रेक्सी, इको ले लिए, एक्सटेंशन या फिर फ्लडिंग। तो ये क्या कहलाता है? इको ले लिया। नेक्स्ट इज हाइड्रेटी फॉर्म में मोल इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। तो जो हाइड्रेटी फॉर्म मोल बनते हैं किस पार्ट को अफेक्ट करेंगे? विलाई को, एमनियन को, कोरियन को या फिर ब्लास्टोमियर को। तो जो हाइड्रेटी फॉर्म मोल हैं किसको अफेक्ट करेंगे? कोरियन को। नेक्स्ट वन इज अ वूमेन हैड जस्ट गिवन बर्थ एट 42 वीक्स जेस्टेशन, व्हेन असेसिंग द नियोनेटल फिजिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर यदि आपने 42 वीक का मतलब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी रही है यहाँ पर आपकी, तो आपने जिस बेबी को जन्म दिया है उस पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? लेनियो को कवरिंग द बेबी, अस्लीप लिथार्जिक बेबी, डिस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस, वर्निक सिजोसा कवरिंग द बेबी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको तो जो पोस्ट टर्म बेबी है मतलब 42 वीक जेस्टेशन के बाद डिलीवर हुआ है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? डिस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। लेनियो को तो जो फाइन टिनी हेयर होते हैं वो झड़ जाएंगे, वो नहीं देखने को मिलेंगे। वर्निक सिजोसा बहुत कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एपिडर्मिस में डिसक्वेमेशन है जो देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो सेल का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज SA नोड इज लोकेटेड इन। तो ऐसे नोड कहाँ पर रहते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ऐसे नोड होते हैं राइट एट्रियम में। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्लासिकल मेथड यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन एन आर्म इन ब्रीज प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो ब्रीज प्रेजेंटेशन में आर्म को डाउन साइड लाने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? रेटगन्स मैन्यूवर, लॉबसेट मैन्यूवर, क्रेट्स मैन्यूवर या फिर पिनार्ट्स मैन्यूवर। जो मैन्यूवर यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो क्या है? लॉबसेट मैन्यूवर। नेक्स्ट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा है जो अम्बिलिकस है एबनॉर्मल तरीके से क्या होगी? प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन क्या इंसर्ट होगी? तो क्या है? सक्सिनेट्रा, बैटल डोर, मार्जिनल या फिर बेलामेंटस। तो यहाँ पर सभी टाइप के इंसर्शन हमने पढ़े हैं, तो क्या है? बेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कहलाएगा? चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, पिकाचे साइन या फिर गॉडेल साइन। तो ये कौन सा साइन है जो कहलाएगा? कहलाएगा गॉडेल साइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। तो हमने एमनियोटिक फ्लूड का नॉर्मल कलर और जो एबनॉर्मेलिटी है वो पढ़ी है।
ऑप्शन में क्लियर ग्रीनिश ब्राउनिश या फिर गोल्डन। तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर नॉर्मली कैसा होता है? क्लियर कलर का, ग्रीनिश गोल्डन ब्राउन, ये अलग अलग है। जो प्रॉब्लम रहेंगी जब रहेगा, एबनॉर्मलिटी रहेगी तब रहेगा। यदि नॉर्मल कलर पूछे तो कैसा होता है? नॉर्मल क्लियर कलर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पैन और वायबिलिटी फॉर ओसाइट। तो ओसाइट की यहाँ पर लाइफ वायबिलिटी क्या है या फिर लाइफ स्पैन टाइम क्या है? लेस देन 12 आवर, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर या फिर 48 से 72 आवर। तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल कही है वायबिलिटी है ओसाइट की, वो कितनी होती है? 12 से 24 घंटे। कितनी? 12 to 24 आवर। नेक्स्ट इज फॉलोइंग कंडीशन इज सीन ऑफन इन पेशेंट विद गोनोरिया। तो गोनोरिया के पेशेंट में आपको और क्या देखने को मिलेगा? ट्रैकोमा, क्लेमाइडिया, हर्पीज या फिर सिफिलिस। गोनोरिया के पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा साथ में? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन की प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टोन। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन की प्रोसेस के लिए? तो वो है यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटेलिजेंसी क्वाड्रेंट। तो IQ का यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है। तो क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट वन इज इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल टू ईच अदर अराउंड द एज ऑफ। तो बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस किस एज में है जो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे? 3 से 6 महीने में, 6 से 9 महीने में, 9 से 12 महीने में या फिर 12 से 15 महीने में। तो कब हैं जो इक्वली हो जाएंगे? तो हो जाते हैं जनरली 9 to 12 मंथ की एज में। हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं कब? 9 से 12 महीने की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अ नैरो कफ इज यूज फॉर मेजरिंग BP देन द आउटकम विल बी। तो ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे आप तो नैरो कफ यूज़ करते हैं यदि, तो BP की आउटकम कैसी आएगी? एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑप्टेन, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑप्टेन, फॉल्सली लो रीडिंग विल बी ऑप्टेन या फिर BP कांट मेजर। तो यहाँ पर जो रीडिंग कैसी होगी गलत देखने को आपको मिलेगी यदि आप नैरो कफ है जो यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू। तो बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है इसके लिए। कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट। यूरिन में बाइल प्रेजेंट तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या कौन सा टेस्ट करते हैं हम? बाइल टेस्ट। सॉरी, यूरिन में बाइल को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? हे टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं किया जाएगा, कौन सा टेस्ट होगा यहाँ पर? हे टेस्ट है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, इन्फेक्शन अकर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी और प्रोसीजर इज नोन एज। यदि इन्फेक्शन आपको ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर कोई प्रोसीजर हो रहा है आपके साथ उसके थ्रू होता है तो कौन सा इन्फेक्शन है? एयाट्रोजेनिक, नोजोकॉमियल, कंक्रेंट या फिर फॉमिट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन आपको ट्रीटमेंट मॉडलिटी से, प्रोसीजर से या डॉक्टर्स के थ्रू होता है तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा एयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन। और जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद का पूछें तो क्या है? नोजोकॉमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी न्यूरोट्रांसमीटर हैं किसी एक को छोड़कर, डोपामाइन, गाबा, सेरोटोनिन या फिर ट्रोपोनिन। तो गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ट्रोपोनिन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, डैमेज टू फॉलोइंग लीड्स टू ग्लिनवार सिंड्रोम। तो ग्लिनवार सिंड्रोम में कौन सी नर्व है जो डैमेज होगी? ब्रेन पैरेन्काइमा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर थायरॉइड ग्लैंड। तो कौन है जो यहाँ पर क्या होगा? इंजर्ड होगा या फिर डैमेज होगी ग्लिनवार सिंड्रोम में? तो यहाँ पर जो डैमेज होगा वो क्या होगा? वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा? डैमेज होगा किसमें? ग्लिनवार सिंड्रोम में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, कंप्लेन ऑफ पेन ऑफ द एल्डरली पेशेंट इज टू बी केयरफुली असिस्ड बिकॉज ओल्डर पर्सन। तो यहाँ पर यदि कोई एल्डर पर्सन है, पेन है जो कंप्लेन करता है, तो ओल्डर पर्सन के पेन को आप कैसे असिस्ट करेंगे? क्योंकि ओल्डर पर्सन में क्या है? हैव इंक्रीज टेक्टाइल परसेप्शन, ऑफन एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन, हैव डिक्रीज्ड पेन थ्रेशोल्ड, हैव रिड्यूस्ड सेंसरी परसेप्शन।
तो यहाँ पर कोई एल्डर पर्सन यदि पेन की कंप्लेन करता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, असेस करेंगे, उनमें आप प्रॉपरली केयरफुली असेस करना है, क्योंकि उनका सेंसरी परसेप्शन क्या हो जाता है, एज के साथ साथ कम हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट वन इज द इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग एन एडल्ट पेशेंट हु वॉज ब्रॉट इन फॉलोड बाय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कुड हैव रिजल्टेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के लिए कैसे मैनिफेस्टेशन आपको पता चलेगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड अटेंशन, डिक्रीज फिजियोलॉजिक फंक्शनिंग, इंक्रीज सैलाइवेशन, रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों कैसी हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49। एन असिसमेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई वी मैनिटॉल इज। यदि आप आई वी मैनिटॉल एडमिनिस्टर करते हैं तो आप क्या चीज़ चेक करते रहेंगे, वाइटल साइन 4 आवर, वेटिंग डेली, आवरली यूरिन आउटपुट एफ, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। मैनिटॉल है जो दिया जाता है, तो इसके बाद हमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है क्या होती है, यूरिन आउटपुट को चेक करने की। नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज। तो जो वर्ड आपने बोले हैं उसको समझने की है जो अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती, तो उसको क्या कहेंगे, मैग्नोसिया, एफ्रेसिया, अफासिया या फिर इंसोमनिया। तो टर्म यूज़ किया जाएगा इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स, क्या टर्म यूज़ होगा यहाँ पर, अफासिया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 51। फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व में यदि एडिमा है तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, पेप्लीडेमा, ग्लूकोमा या फिर लिम्फेडिमा। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है जो कि यूज़ किया जाएगा किसके लिए, यदि ऑप्टिक नर्व में क्या हुआ है, कोई भी एडिमा है या फिर स्वेलिंग है जो हुई है, तो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, पेप्लीडेमा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 52। टी वेव इन्वर्जन ऑन ईसीजी आर सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो टी वेव में इन्वर्जन देखने को मिलेगा ईसीजी में, बट किसी एक को छोड़कर, हाइपरकैलेमिया, एमआई, मायोकार्डाइटिस, सबआर्कनोइड हेमरेज। तो टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा ईसीजी में सभी में, बट हाइपरकैलेमिया में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 53। फॉलोइंग कंडीशन इज अकम्पनीड बाय डिस्टेंट मफल्ड हार्ट साउंड एंड प्रोमिनेंट वेसल्स। तो कौन सी कंडीशन में सभी साइन देखने को मिलेंगे, तीन साइन यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन साइन है यहाँ पर वो क्या है, मफल्ड हार्ट साउंड और प्रोमिनेंट वेसल्स। तो एक इसमें देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिलती हैं कार्डियक टेम्पोनेट में, क्लासिकल साइन है कार्डियक टेम्पोनेट के क्या, मफल हार्ट साउंड और प्रोमिनेंट वेसल्स। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 1 से 2 लीटर पर मिनट, 3 से 4 लीटर पर मिनट, 5 से 6 लीटर पर मिनट या फिर 7 से 8 लीटर पर मिनट। तो यदि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की बात की जाती है तो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर पर मिनट तक। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। तो हेपेटाइटिस ई किस रूट से फैलेगा, तो हेपेटाइटिस ए और ये दोनों किस रूट से फैलते हैं, फीको और रूट से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड एट। तो प्लेटलेट्स को हम किस टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं, तो प्लेटलेट्स को हम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन तक है जो स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69। एपिडेमिक अफेक्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। तो यदि एपिडेमिक होता है तो किस टाइप की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, एंडेमिक है, आउटब्रेक है, पेंडेमिक है कि एक्सोटिक है। तो यहाँ पर यदि एपिडेमिक है जो लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है पेंडेमिक, क्या कहलाएगा, पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन परसीव्स अ डिज़ाइन ऑन द वॉल एंड एनिमल दिस इज। यदि किसी पर्सन को लगता है कि वॉल पर जो डिज़ाइन है वो क्या है, कोई एनिमल है, तो ये क्या है, डिल्यूजन है, एल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, फिर आइडिया ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को लगता है जो वॉल पर एनिमल्स बने हुए हैं वो क्या है, वॉल है ओनली, डिज़ाइन है कुछ, तो उसको लगता है कि ये क्या है, ये एनिमल्स यहाँ पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा एल्यूजन। नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न टू अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज।
अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज के रिटर्निंग पॉइंट के लिए क्या कहेंगे, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन या फिर इंट्रोजेक्शन? तो ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म की टाइप है यहाँ पर। तो रिटर्न टू अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज के लिए हम क्या करेंगे, रिग्रेशन, रिग्रेट करना किसी भी चीज़ के लेके आपको क्या होगा, रिग्रेट फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सनसेटिंग आइज आर फाउंड इन, तो सनसेटिंग आइज किस में देखने को मिलेंगी, डाउन सिंड्रोम में, हाइड्रोसेफेलस में, मेनिनजाइटिस में या फिर सेरिब्रल पाल्सी में? सनसेट आइज किस में देखने को मिलती है, हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एंटी पेलाग्रा विटामिन इज, तो एंटी पेलाग्रा विटामिन कौन सा है, नियासिन, थायामिन, पायरेडॉक्सिन या फिर साइनोकोबालमिन? तो यहाँ पर जो विटामिन होगा वो कौन सा होगा, वो है नियासिन। नियासिन की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा। फिर यहाँ पर कहा है कि एंटी पेलाग्रा विटामिन, तो कौन सा हो जाएगा, वो नियासिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स कौन सा है हेल्थ चेक करने के लिए, IMR, क्रूड डेथ रेट, MMR या फिर क्रूड बर्थ रेट? तो जो यहाँ पर इंडेक्स पूछा है वो कौन सा है, वो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल फॉर ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग कितना है जो शोर है झेलने की क्षमता रखते हैं, मैक्सिमम नॉइस लेवल 50 डेसिबल, 110 डेसिबल, 85 डेसिबल या फिर 160 डेसिबल? तो कितना है जो नॉइस लेवल है जो झेल सकता है कोई भी ह्यूमन बींग? तो यहाँ पर जो एक एवरेज रेंज बताई है वो कितना होता है, 85 डेसिबल, 85 डेसिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड इन, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं, 5th जून, 7th अप्रैल, 10th अगस्त या फिर 31st मई? तो हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू के लिए ना कहना, कब मनाते हैं, 31 मई को, 31 मई को। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज्ड बाय कोल्ड डस्ट, तो कोल्ड डस्ट से जो ऑक्यूपेशनल डिसीज होगी वो क्या है, एंथ्राकोसिस, सिलिकोसिस, एप्स्टोसिस या फिर वैगोसिस? तो जो ऑक्यूपेशनल डिसीज कोल्ड डस्ट के कारण होगी वो क्या कहलाएगी, एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट वन इज ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीरुबिन टॉक्सिटी इज इंक्रीज्ड इन, तो यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीरुबिन टॉक्सिटी यदि क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम कैसे चेक करेंगे, कोल्ड स्ट्रेस से, स्टारवेशन से, एसिडोसिस या फिर हीमोलाइसिस? क्या है जो सस्पेक्टफुल आपको लगेगा कि ब्लीरुबिन टॉक्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किससे पता चलेगा, एसिडोसिस लेवल से, एसिडोसिस लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज बर्थ इंजरी ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, तो ब्रैकियल प्लेक्सस में यदि डैमेज होता है बर्थ इंजरी के टाइम पर क्या होगा, फेसियल पालसी, अर्श पालसी, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सब ड्यूरल हेमेटोमा? तो जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जनरली जब ब्रीज प्रेजेंटेशन होता है या फिर, तो ब्रैकियल प्लेक्सस जब डैमेज होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अर्भ पालसी। नेक्स्ट इज यूरेथ्रल मीटस इज ऑन द पेनाइल डॉर्सल सरफेसेस, तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया है, पैराफिमोसिस, एपिसपेडियासिस या फिर फिमोसिस और हाइपोस्पेडियासिस? तो यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, एपिसपेडियासिस। नेक्स्ट वन इज ब्राउन्स स्प्लिंट इज यूज फॉर, तो ब्राउन्स स्प्लिंट किसके लिए यूज होते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द आर्म्स, फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम या फिर फ्रैक्चर ऑफ द कॉलर बोन? तो जो ब्राउन्स स्प्लिंट यूज किए जाते हैं किसके लिए यूज होते हैं, लोअर लिम के फ्रैक्चर के लिए। नेक्स्ट वन इज एपिडेमिक अफेक्टिंग इन लार्ज पॉपुलेशन, तो जो एपिडेमिक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 फिर से आ गया, क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन अकर्स एट, तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट है किस स्टेज में सबसे ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम इन्फेंसी में, एडोलेसेंस स्टेज में, स्कूल गोइंग एज में, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में? तो सबसे ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी पीरियड में। किस पीरियड में, जब बच्चे इन्फेंसी मतलब कि 0 से 1 ईयर एज तक के रहते हैं उस टाइम पर बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, तो ह्यूमन मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी होगी, एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल या फिर पैसिव आर्टिफिशियल? तो ह्यूमन मिल्क में जो इम्यूनिटी होती है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस साइको सोशल डेवलपमेंट फोकस ऑन, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप 10 से 19 साल तक की मानी जाती है, तो उसमें जो साइको सोशल डेवलपमेंट होते हैं किस चीज़ पर फोकस होते हैं,
बिकमिंग इंडस्ट्रियस, डेवलपिंग इनिशिएटिव, अचीविंग इंटीमेसी, एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी। तो हमने जो यहाँ पर एरिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ी है, तो यहाँ पर वही है साइको सोशल डेवलपमेंट में एडोलेसेंस एज ग्रुप में क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज, यदि बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, प्रोफ्यूज डायरिया, एनल फिसर या फिर इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प। तो यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है और जो फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी वो क्या होगा, आपका प्रोफ्यूज डायरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86, रिन्यूअल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर रिन्यूअल इंटीग्रेशन इन इंडिया की ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, DRDO या फिर नीति आयोग ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, DRDO। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ खेल रत्न अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है, तो ये खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इस अवार्ड का नाम क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 कॉन्फ्रेड द पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन टू डॉक्टर, अ डॉक्टर एंड सोशल वर्कर ऑफ गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट की जो डॉक्टर हैं जिनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है 2022 में मेडिसिन के क्षेत्र में, वो कौन है, डॉक्टर नैना पटेल, डॉक्टर अरुणा वनिकर, डॉक्टर लता देसाई या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये अभी अवार्ड मिला है रिसेंट में, ये किसको मिला है, ये मिला है डॉक्टर लता देसाई को, किसको मिला है, डॉक्टर लता देसाई को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि 2015 में स्थापना हुई और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या रखा है, ग्लास, पीस एंड ट्रस्ट, मिलेट या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर जो नाम दिया है वो क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 91, इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो ये सबको पता है हम इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं, तो हमारे साल 12 मई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 92, अर्थ आवर इज ऑब्जर्व इज एन एनुअल इवेंट इन विच मंथ ऑफ द ईयर। तो अर्थ आवर है जो हम महीने साल के किस मंथ में मनाते हैं, मार्च में, अप्रैल में, जून में कि जुलाई में। तो हम कब मनाते हैं, हर साल मार्च में अर्थ आवर। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 इन गुजरात स्टेट एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो गुजरात स्टेट किस जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है, अर्बन अफेयर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में गुजरात किस नंबर पर आया, फर्स्ट में तो MP का इंदौर शहर है, अब यहाँ पर कहा है कि गुजरात किस रैंक पर रहा है। तो गुजरात की जो रैंक रही है वो कैसी रही है, सेकंड रैंक पर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 94, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज रिटन बाय। तो यहाँ पर एक बुक का नाम दिया है आपसे, ऑथर पूछी गई है कि कौन है, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, काजल ओझा वैद्य, अरुंधति रॉय, इंदिरा नूई या फिर सुधा मूर्ति। तो ये फेमस राइटर भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और अच्छी कंपनीज के CEO के नाम भी हैं यहाँ पर। तो इंदिरा नूई हैं, इन्होंने बुक लिखी है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था, 1999 में, 2000 में, 2003 में कि 2005 में। तो ये एक्ट कब लाया गया था, 2005 में। नेक्स्ट वन इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। क्या है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का जो रिसेंट में मोदी जी ने क्या किया, इनॉग्रेशन किया,
तो एक इसका स्टैचू था, हैदराबाद में किया है। और इन्होंने भगवत श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर स्वामी विवेकानंद, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन किया है, तो ये हैदराबाद में किया। तो ये किसका स्टैचू है, तो यह है भगवत श्री रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97, इन विच सिटी वेयर द विंटर ओलंपिक 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो विंटर ओलंपिक 2022 हैं जो किस सिटी में होने वाले हैं, टोक्यो में, बीजिंग में, लंदन में या फिर रियो दे जेनियोरो में। तो जो टोक्यो में, तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, यहाँ पर विंटर ओलंपिक, तो विंटर ओलंपिक 2022 होना है बीजिंग में। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग ब्रोक हिज ऑन रिकॉर्ड्स इन जेवलिन एंड वॉन गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक 2021। कौन है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, नीरज चोपड़ा, सुंदर सिंह गुर्जर, सुमित अंटिल या फिर निषाद कुमार। तो ये अभी रिसेंट में जो 2021 में पैरालंपिक हुए हैं, तो खुद का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो ये तोड़ा है सुमित अंटिल ने। यहाँ पर क्या कहा है, पैरालंपिक दी टोक्यो ओलंपिक में कहते तब होते नीरज चोपड़ा, लेकिन यहाँ क्या कह गए पैरालंपिक में, तो इन्होंने खुद का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो ये तोड़ा है सुमित अंतिल ने। नेक्स्ट वन इज अमंग द फोर वेद विच वेद इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो इनमें से म्यूजिक वाला वेद है जो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर सामवेद। लास्ट क्वेश्चन है, द यंगेस्ट चेस प्रोडिजी हु बिकम द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रिसेंटली इज। रिसेंट के इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, आर प्रगन नंदा, गुकेश डी, अभिमन्यु मिश्रा या फिर पी हरी कृष्णन। तो यहाँ पर अभी ये किसने जीत, नए इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, आर प्रगन नंदा। तो यहाँ पर ये था गुजरात स्टेट का स्टाफ नर्स का पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।